जमशेदपुर बवाल पर पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी के साथ हिंदू संगठन सवाल उठा रहे हैं। इसे लेकर हिंदू महापंचायत भी बुलाई गई थी। अब इस मामले में जेल में बंद बीजेपी और वीएचपी के नेताओं से रघुवर दास ने मुलाकात की, जिसके बाद डीजीपी से बात कर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जमशेदपुर बवाल पर थम नहीं रही सियासत, पुलिस की कार्रवाई पर बीजेपी ने उठाए सवाल। अब जेल में अभय सिंह से रघुवर दास ने की मुलाकात। जमशेदपुर के शास्त्री नगर हिंसा मामले में सियासत जारी है। बीजेपी ने इस मामले पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के बाद अब रघुवर दास ने जेल में बंद अभय सिंह समेत बीजेपी और वीएचपी के नेताओं से मुलाकात की है, जिसके बाद रघुवर दास ने राज्य के डीजीपी से बात कर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। तथ्यों की जानकारी के आधार पर मेरे जेल कैंपस से बाहर निकलकर राज्य के डीजीपी से मैंने वार्ता की कि जो तथ्य हमारे पास है और जो घटनाक्रम जो घटित हुई है, उसे पुलिस प्रशासन के द्वारा निर्दोष लोग को भी गिरफ्तारी की गई है। अब जो लोकतांत्रिक अधिकार है किसी को भी डेलीगेशन अपनी बात को रखने का, वैसे लोग को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो आप इसका उच्च स्तरीय जांच हमने बीजेपी के समक्ष मांग रखी। उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं डीआईजी से इसको सुपरविजन कराकर जो भी निर्दोष होंगे उन्हें छोड़ने का आश्वासन उन्होंने दिया। रघुवर दास ने शास्त्री नगर बवाल मामले में पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा जिन नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है उनका हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। रघुवर दास ने कहा जो लोग कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने गए, पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब सुधांशु ओझा को पुलिस से पकड़ के लाया और कहीं भी उनका कहीं से लेना देना नहीं था, ठीक है, शास्त्री नगर में जरूर रहते हैं। अब उनके साथ पूरे उनके स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया गया। अभय सिंह भी इस घटना से कोई लेना देना नहीं। इसी तरह जो विश्व हिंदू परिषद के लोग इस घटना की निंदा के लिए डेलीगेशन देने गया था उसको भी गिरफ्तारी। तो ये साफ बताता है कि पुलिस अपनी खाना पूर्ति करने के लिए हेमंत सरकार के दबाव में यहाँ के पुलिस प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, तो उसी संदर्भ में मैंने डीजीपी से बात की। कदमा के शास्त्री नगर में 9 अप्रैल की शाम दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई थी। इस दौरान कुछ बाइक और झोपड़ी में आग लगा दी गई। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता अभय सिंह समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, लेकिन बीजेपी प्रशासन की इस कार्रवाई को एक तरफा बता रही है और निर्दोष लोगों को जेल में डालने का आरोप लगा रही है। न्यूज 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।